नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक है, हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है 8। क्वेश्चन दो है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी है 1867, ऑप्शन डी है 1868। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है 1867। क्वेश्चन तीन है, कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी है ब्राह्मण विवाह, ऑप्शन सी है असुर विवाह, ऑप्शन डी है प्रजापत्य विवाह। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है असुर विवाह। क्वेश्चन चार है, वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है? ऑप्शन ए है पैशाच विवाह, ऑप्शन बी है असुर विवाह, ऑप्शन सी है आर्ष विवाह, ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है राक्षस विवाह। क्वेश्चन पाँच है, हिंदुओं में विवाह को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है धार्मिक संस्कार, ऑप्शन बी है सामाजिक समझौता, ऑप्शन सी है कानूनी बंधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है धार्मिक संस्कार। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।